हेलो एवरीवन माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म तो आई होप सो गाइज आपकी सबकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी जो भी अपकमिंग एग्जाम और अपॉर्चुनिटी है गाइज आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर अभी आप लोगों के लिए पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज भी चल रही है जिसकी एक प्ले भी बनी हुई है तो आई होप सो आप उसको फॉलो भी कर रहे होंगे जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो भी आप गेट स्कोर का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो गाइज यहां पर मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये होता होगा कि सर टॉप सेवन पीएसयू से, कौन से है, जो के पे करते है, तो, तो काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और डेफिनेटली गाइज जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्योंकि वही हमें मोटिवेट करती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए और गेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस तो एन जो है वो काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है गेट स्कोर के बेसिस पे जो सिलेक्शन होता है तो एन आप सबको पता होना चाहिए लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी है और इसकी जो कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 73,888 मेगावाट है अभी और इसको और भी ज्यादा एक्सपेंशन करने की अभी टारगेट चल रहे हैं टू तक इसको वन थर्टी करने के पूरे टारगेट चल रहे हैं तो कई सारे जो गेट के अच्छे रैंकर्स होते हैं वो एन को ज्वाइन करने का एम देखते हैं तो आप में से कितने बच्चे ऐसे जो एन टी

टॉप पीरिटी में आता है स्टूडेंट्स के अगर आप आई के बारे में भी देखेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर इंटरफेस है इनका और अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ों पर यह काम करता है और आई के बारे में मैक्सिमम गेट स्टूडेंट्स जानते होंगे तो आई भी आपके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आप जब गेट क्लियर करते हो तो आई में भी आप जा सकते हो इसके अलावा अगर हम गाइस आगे देखें तो ओ जो है अभी पिछले दो तीन साल से अगर आप देखोगे तो 2023 और 24 में जो है गेट से रिक्रूटमेंट में थोड़ा अनसर्टेनिटी आया हुआ है ओ से वरना अगर आप उससे पहले देखोगे तो गेट के बेसिस पे ओ सबसे पॉपुलर कैटेगरी में रखा जाता था अगर आप टॉपर्स के देखोगे कि टॉपर्स आजकल कहाँ वर्क कर रहे हैं जो टॉप स्टूडेंट्स है वो कहाँ है तो मैक्सिमम आपको ओ में दिखेंगे बट अभी दो तीन साल से कुछ इंटरनल डिपार्टमेंटल में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनमें काफी सारे चेंजेस की वजह से अभी ओएन की रिक्रूटमेंट जो है वो अच्छे से हो नहीं रही है लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही वापस रिस्टोर हो जाए जैसे इसरो में हुआ था दो तीन दो साल तक वो वैकेंसीज का इशू था लेकिन बाद में उन्होंने वैकेंसीज को वापस निकालना शुरू कर दिया तो ऐसा ओ में भी जल्दी हो जाएगा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है बट हां डेफिनेटली टू थाउजेंड के जो बच्चे हैं गेट से वो लोग थोड़े परेशान होंगे क्योंकि उन लोगों ने से कई स्टूडेंट्स की टारगेट में ओ भी होगा बट ओ आया नहीं है अच्छी वैकेंसीज के साथ तो देश कई बच्चे उस चीज से परेशान हो जाते हैं यहाँ पर अगर हम आगे देखें गाइस तो एनपीसीएल के अंदर भी आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहूंगा गाइस आप सबको पता है कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो उस केस में आप एनपीसीएल में देखोगे तो वैकेंसीज का नंबर बढ़ता जा रहा है और एनपीसीएल में अगर आप देखो तो आने वाले टाइम में बहुत सारे अगर आप देखोगे पावर प्लांट जो है वो आने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट आने वाले हैं ऐसा टारगेट भी है कि हर साल ऑलमोस्ट वन से टू न्यू न्यू जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्री में स्टेबलाइज हो जस्ट बिकॉज ऑफ हमें रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे ज्यादा फोकस करना है तो देसवाई एनपीसीएल में भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है यहाँ पर अगर हम आगे देखें गाइस तो गेल जो है गेल के अंदर भी जो है रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं आती है आपके वन टू वन टू ईयर में आपको देखने को मिल रही होती है कई बार टू थ्री ईयर में भी एक बार नोटिफिकेशंस आता है बट गेल भी आपका काफ़ी पॉपुलर पीएसयू की कैटेगरी में आता है और यहाँ पर भी कई सारे बच्चे जाते हैं अगर आप देखो तो आ, अगर आप तीन से चार साल पहले देखोगे तो गेल की जो रिक्रूटमेंट है वो भी आती रहती थी वैकेंसीज़ का नंबर कम आता था लेकिन जो टॉपर्स होते थे वो गेल को भी ज्वाइन करने पर टारगेट करते थे जैसे ओ का क्रेज था वैसे गेल का भी क्रेज था तो कई सारे बच्चे जो है वो गेल को भी ज्वाइन करने का टारगेट देखते थे इसके अलावा अगर हम देखें इंडिया भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए भी वैकेंसीज आती थी लेकिन वन टू ईयर से उसमें भी अनसर्टेनिटी है अभी माइनिंग पे ज्यादा वैकेंसीज आती है बाकी सिविल के लिए भी वैकेंसीज आती है तो अदर अदर ब्रांचेस की वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलती है काफी पॉपुलर पीएससी की कैटेगरी में आता है और यहां पर भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं ठीक है अगर आपको इन पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है बाकी मैं आपको बता दूंगा आपके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपको को ऑयल सेक्टर में काम करना है कोयल सेक्टर में काम करना है बाकी आपको अगर आप देखोगे तो ओ सेक्टर में काम करना है तो अलग अलग डोमेन है पावर पावर सेक्टर में काम करना है तो आप एन ज्वाइन कर सकते हो तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी देख सकते हो जब आपकी अच्छी रैंक है अगर आपकी रैंक जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उस केस में तो फिर जो ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको जाना पड़ेगा अगर हम नेक्स्ट देखें तो गाइज यहाँ पर आ, पावर ग्रिड जो है वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे आप देखेंगे तो पावर ग्रिड का भी एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पर महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर आता है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पावर ग्रिड जो है वो टॉप मोस्ट होती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स का तो जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स है वो पावर ग्रेड को टारगेट कर सकते हैं अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटी आपको पावर ग्रेड में भी मिलती है और मेजोरिटी uh, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर पावर ग्रिड को ज्यादा चूज करते हैं अगर हम देखेगा इस तो अदर जो पीएसयूज के रिक्रूटमेंट अगर आप देखोगे तो भेल जो है उसमें ज्यादातर जो ईसी इलेक्ट्रिकल एम और एम के बच्चों के लिए वैकेंसीज आती है इसरो जो है उसमें भी अगर आप देखोगे तो ईसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सीएस के बच्चों के लिए भी आपको वेकेंसी

टारगेट कर सकते हैं तो बाकी कुछ वैकेंसी जिनमें से गेट से भी होती है डिपेंड करता है हर साल के हिसाब से तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि टारगेट अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपका पी ज्वाइन करने का एम है तो हमेशा दिमाग में एक ही टारगेट रखो कि मुझे टॉप सेवन पी के अंदर ही अपनी जो है सीट को सिक्योर करना है उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको मोटिवेट होना पड़ेगा अगर आपका एम है मुझे ओ ज्वाइन करना है तो ओ से रिलेटेड चीज़ें देखो आप आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी और बाकी गाइस आप लोग पोस्ट ग्रेड गाइडेंस जो आप लोगों के लिए चल रही फॉलो करते रहिए है वहां पर बहुत सारी यूजफुल चीजें आ रही है इन पी के लिए कितना ग्रेट स्कोर रिक्वायर्ड है ऐसे वीडियो भी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट करके बताइएगा वो वीडियो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इसी के साथ आ, आप लोगों को मैं ये भी बोलना चाहूंगा कुलदीप सर अंडर स्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें कई सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट एक्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी उसका पार्ट बनेंगे तो डेफिनेटली काफी सारे फायदे आपको वहां पर होने वाले हैं इसी के साथ इस वीडियो को ही एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर सी यू